action, crowd passing. Continuous passing. Amir or passing. Ask about Vindhya. Keep passing guys, keep passing. Sound. Oh, keep passing. Oh. In the film, I'm basically, I'm sure you'll all remember my film Arjun. And in this film, it's the character of Arjun is taken up where he would be right now, and it's an extension of that character. That's what I am basically in the film. That's why I've got a tie and kind of a little trying to pick little elements from that film. See, Ahmed has his own way of storytelling. He has his own way of camera movement and that's what I mean by storytelling. And that's what he's done in this film. It's an interesting subject which has been spoken and shown across from his point of view, the way he sees it, which I think will appeal to one and all. It is not a kind of a pattern which you see always in films where everything is staged. So I think not only the younger lot, I think the older people will also appreciate and they like it. देखिए हम सब जब हैं सब जो मैं हूँ सुनील हम जितने भी हैं हम जब पिक्चर करते हैं उसमें तब हम वो कैरेक्टर ही होते हैं तो उस वक्त ये नहीं सोचा जाता कि ये भी मैं सुनील शेट्टी है या ये इब्राहिम है या ये सोहेल है उस ढंग से तो हम काम नहीं करते नहीं तो फिर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तो और अहमद ने सब कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से संभाला है और बस यही कहूँगा जब आप पिक्चर देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि हर एक्टर इस पिक्चर में अच्छी तरह से आया देखिए मेरा रेपो शुरू से लेके अब तक यही रहा है कि मैं ज़्यादा बात नहीं करता और जैसे आप कह रहे हैं मुझे इतने साल हो गए अभी इंडस्ट्री में तब क्या हो गया एक हुआ है जहाँ से सब लोग मेरे से दूर ही रहते हैं तो रेपो बनाने का बात ही नहीं बनती सो बट It's nice, they all love me and they respect me and that's good. Look, in this picture is everything. It's a music bhi acha hai, romance bhi hai, aur, action bhi hai, drama bhi hai. Isme, in totality, everything is. So, ye nahi hai ki isme sirf maardhaar hi hai, everything is isme. Meri ek aur film hai, jiska naam hai Devdhar Gandhi, aur uske baad aayegi Jo Bole So Nihal. ये तीन पिक्चरें इस साल लगेंगी थैंक यू पहली बार मैं नाच रहा हूँ लकीर में जो आपने देखा है प्रोमो पे नचले जो गाना है इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि इसके पहले तो जिस्म में साया में एतबार में पाप में मैंने कुछ एक भी बार नाचा नहीं है मैंने इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली गेटिंग डाउन टू Dancing, it's fun, refreshing, it's different. मज़ा आएगा शायद दर्शकों इतनी गौर से तो नहीं देखेंगे लेकिन पहली बार मैं नाच रहा हूँ स्क्रीन पे एंड दैट इज़ रिफ्रेशिंग फॉर मी और जो ऑडियंस का रिएक्शन मिला है मुझे कि दे हैव ऑल्सो फाउंड इट वेरी रिफ्रेशिंग कि पहली बार तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं फुल स्लीव्स और पहली बार नाच रहे हो सो इट्स इंटरेस्टिंग इट्स वेरी आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट When Lakir was offered to me by Ahmed Khan, पहले तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी एक प्लेन सिंपल स्क्रिप्ट थी बट आई liked इट अ लॉट म्यूज़िक गाने मैंने सुने AR Rahman's एंड आई लव द सॉन्ग्स और जो रोल मेरा था उसमें वॉज वेरी एक्साइटिंग और पहली बार मैं एक टिपिकल क्विंटेसेंशियल कमर्शियल हीरो का रोल कर रहा हूँ मैं विद अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स अ लॉट ऑफ रोमांस अ लिटल एक्शन तो मैंने सोचा क्यों नहीं और जो फाइनली मेरा डिसीशन था was justified because the way Ahmed has treated this movie it's absolutely fabulous you see how Sunny Saab, Anna, Sohail Bhai, how everybody's performed Nahid,
एब्सोल्युटली फैबुलस जी. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिफोर आई टुक अप अ मल्टी स्टार, मैंने बहुत सुना था कि एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आर वेरी वेरी इनसिक्योर, बट माई एक्सपीरियंस हियर हैज़ बीन सो पॉजिटिव. आई डोंट माइंड सेइंग दिस ऑन स्क्रीन, बट आई रिमेम्बर द सन वॉज सेटिंग, अपने हम लोग का लास्ट डे था उधर सेट पे, एंड आई हैड टू डू अ शॉट क्विकली विद सोहेल खान स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड ही रिक्वेस्टेड द डायरेक्टर टू लेट मी शूट द शॉट अगेन, यू नो. तो द लेवल ऑफ कोऑपरेशन वॉज सो गुड. इवन सनी साहब, आई डिड नॉट हैव मैनी सीन्स टू डू विद हिम, लेकिन जितना भी काम किया मैंने उनके साथ, ही इज़ अ परफेक्ट जेंटलमैन. अन्ना तो मैं, ही इज़ लाइक माई बिग ब्रदर इन रियल लाइफ. तो जो आप केमिस्ट्री देखोगे स्क्रीन पे इज एब्सोल्युटली द सेम, जैसे आप लकीर में देखोगे वो रोल इज एब्सोल्युटली द सेम इन रियल लाइफ. सो इट्स बीन एन एब्सोल्युटली वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑन दिस मूवी. वॉट एवर मे बी द आउटकम, आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस मूवी फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू वेल, एंड सेकेंडली द एक्सपीरियंस हैज़ बीन completely positive, good fun. Noid is I am half Irani and Noid is full Irani, so we are both little, you know, we have a nice time, it's great fun, she's a lot of fun, lot of energy. Sohil bhai is again a lot of fun, he's exceptionally polite, very nice on the set, so it's good fun working with everybody. Shayad agar aap इसके बाद यहाँ पे पिक्चराइज करोगे आप, द नेक्स्ट सॉन्ग जो शूट हो रही है यहाँ पे सदिया, विच इज़ माय फेवरेट सॉन्ग इन द मूवी, वो सोहेल खान नाइद और मेरे ऊपर पिक्चराइज हुई है. उसके पहले एक दूसरा भी गाना है जो प्रोमोज में आ रहा है अभी, नचले विद सुनील शेट्टी एंड मी, जो मैंने सुना कि पहली बार दलेर मेहंदी और AR रहमान एक साथ काम कर रहे हैं. सो एवरी सॉन्ग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट पैगाम. जो मेरा स्लो नंबर है पिक्चर में, एब्सोल्युटली रोमांटिक ब्यूटिफुल. So it's beautiful music, and at the end of the day AR Rahman is not AR Rahman for nothing, so he's given amazing music to the movie. First of all, I said yes because Ahmed was a part of the film. Ahmed came to me with Vicky, and Vicky is a great producer also. So when you have a good producer coming your way, the first thing you say is mentally decide that yes, I am going to do his film, you know. Of course you might listen to the script and do that after it, but then it was a combination of Ahmed and Vicky. And Ahmed is someone who has been immensely talented, is immensely talented, even as a choreographer. Every song he did worked. Personally, he's given me, the best of songs for me, as in Paro and Sundara Sundara. So I was mentally prepared to say yes. When I heard the script, I was sure that I need to be a part of this film, because you have someone like Sunny Deol acting in it, you have John, you have Sohail, you know, people you relate to and share a great rapport with. So I had all the reason to do the film. Alag hatke kahunga to log kahenge yaar har film mein yahi bolte hain, lekin alag hatke hai kyunki look wise alag hai, character ka jo look hai, jo treatment Ahmed ne diya hua hai film ko, wo alag hai. Script ek Hindi film, commercial Hindi film ki script hai, do bhaiyon ki, Sunny Sohail, John Mee, जो एक ही लड़की से प्यार करते हैं, और क्या होता है वो, दैट इज़ द फिल्म, बट इट्स द ट्रीटमेंट. तो इमोशन है ग्रेट, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है, साथ साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन है. रहमान जी जीनियस तो है ही, और इन्होंने इस फिल्म में एक कंप्लीट ट्रैक दिया, एक कोरियोग्राफर डायरेक्टर के साथ बैठ के उन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट. सो आई थिंक दियर कॉम्बिनेशन इज़ एब्सोल्युटली ऑसम. आप कोई भी गाना सुनिए, आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे गाने हैं. Saath saath, I think what Ahmed has done as a director is he's justified the taking of those songs. You know, Remo aur Umesh ne choreography ki hai, jo earlier assistants the Ahmed ke, jo ab independent choreographers hai aur bahut hi talented hai. I think between the three or four of them and the, of course, the actors involved in it, they've done a brilliant job visually of the songs that have been executed very well by Rahman ji.